मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले के कोंडा गांव में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्री केदार कश्यप ने सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान यही भाजपा परिवार की पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां धारा 370 हटाने को असंभव मान रही थी। वे कहते थे कि ऐसा करने से देश में खून खराबा होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बगैर किसी विवाद के इस धारा को हटा दिया। चुन रहे और अतिरिक्त राशि बना उन भांति 3100 रुपया सब जो किसान मन जो खाता में दे तो जो योजना रहे और सब ले बड़े बात ये बलून रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बने दे तो 18 लाख हितग्राही प्रधानमंत्री आवास जो उनमें जो खाता में जब तक पैसा नहीं जाए दे तब तक हम जो मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करे दे और हम जो मुख्यमंत्री सबले पहले उन 18 लाख परिवार मन जो खाता में पैसा पठा लो उन जो बाद उन निवास में गेलो ये हम जो आदिवासी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णु देव साय जी पार्टी जो एक नीति नियम के मानून भातिया जी था चक अमर लो और जनता जो हित में निर्णय करे से आज सांगतो का तो खूब सारा गोटा से हम मन बाद में बल बात करूंगा, लेकिन यही निवेदन आसे कि 18,500 ले हम कोंडागांव विधानसभा के विधानसभा में जीत लू। अब 30,000 ले अधिक वोट ले हम ये कोंडागांव विधानसभा में दिल्ली का जे पठातो का जे हम जो प्रत्याशी महेश कश्यप जी के आगे बढ़ाओ ताकि डबल इंजन जो सरकार बने दे तो ये प्रासी जो मैं आप मंचो बीच में बात करते ना ये तो भी तीन समय में ये था आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुए से और उन भारतीय जनता पार्टी जो देव तुल्य कार्यकर्ता ये उपस्थित आसास विश्व जो सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी जो कार्यकर्ता और 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के भारत ले कांग्रेस मुक्त बनानो तो देव तुल्य कार्यकर्ता ये उपस्थित आसास और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी है जो हम जो देश जो SSB प्रधानमंत्री चाहे बिकते प्रधानमंत्री बनुक सके तो मोचो वसन नानी माँ गांव चो गरीब चो बेटा किसान चो बेटा के लोकसभा चो प्रतिनिधित्व करतो का जे मौका मिल सके ये भारतीय जनता पार्टी ने संभव हो सके। ये चो काजे मैं हम चो देश चो SSB प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम चो देश चो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी अमित शाह जी और हम चो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व और हम जो जिला जो नेतृत्व के उन जो दिव्य दृष्टि के मैं नमन करे से उन मन जो दिव्य दृष्टि मोचो वसन सामान्य गरीब किसान परिवार जो बेटा के लोकसभा जो प्रत्याशी योग्य समझून लोकसभा के प्रत्याशी बनाला से और मौके पूरा भरोसा आसे तू मन मंचो आशीर्वाद ने बस्तर क्षेत्र चो लोकसभा चो प्रतिनिधित्व दिल्ली ने करतो का मौका मिले जे ये तो 19 तारीख के मतदान है और भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व लोकतांत्रिक परंपरा ने आमन मन के सब वोट देऊन मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद मैं दूसरी बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। इसके पहले जंगल यात्रा में हम आए थे, श्री केदार कश्यप जी हमारे वन जल संसाधन मंत्री के साथ में, और उस दिन तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा की घोषणा किए थे। आज दूसरी बार इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आप सब लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है, इसके लिए आप सभी देव तुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों के अत्यंत आभारी हैं और आप लोगों का भी आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोगों को आने में आज थोड़ी देरी हुई है। आज छत्तीसगढ़ में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में बूथ विजय अभियान का या बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे, इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे, और हम लोगों का वादा था कि जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे। और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग किसान भी हैं, 12 मार्च को
24,72,000 से ज्यादा किसानों को उनका अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। सभी किसानों को अंतर की राशि मिल चुका है। यहाँ पर माताएं बहनें भारी संख्या में हैं। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी कि विवाहित माता बहनों को साल का 12,000 देंगे और 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में उस दिन वो बनारस से वर्चुअली जुड़े थे और हमारी माता बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और वहीं से बटन दबाकर 70,12,600 से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया एक महीने का देने का काम किया। अब मैं बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले महीने का आप लोगों को पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। 1 तारीख की बात कर रहे थे लेकिन